ओम माकली। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयस पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले ग्रह एवं शरीर के अंग। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगी कि पूरे शरीर में जो अंग होते हैं हमारे, उस पर भी ग्रहों का प्रभाव होता है। तो आज इस विषय में हम आप विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, समझते हैं शरीर के अंगों पे ग्रहों का प्रभाव, हमारे कौन से अंग पे किस ग्रह का प्रभाव होता है। हम ये चीज जान लेंगे मित्रों तो हमें ये आसानी होगी कि हम रोग से ये पता लगा सकेंगे कि कौन सा ग्रह हमारा कमजोर है, हमें शरीर में किस अंग में क्या तकलीफ हो रही है। इससे हम जान जाएंगे कि हमारे कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यदि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो हम उस ग्रह के लिए उपचार करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह शरीर के किस अंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सूर्य है, सबसे पहले अपन लेंगे सूर्य को। सूर्य हड्डी, पित्त और मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र रक्त को, मंगल मांस मज्जा को, बुध त्वचा को, गुरु चर्बी और कफ को, शुक्र वीर को, शनि स्नायु तंत्र को, राहु और केतु दोनों वात श्लेष्मा को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे संबंधित यदि आपको कुछ भी अच्छा या बुरा शरीर के अंगों में आपको महसूस होता है या कुछ रोग होते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह आपके लिए दुष्परिणाम दे रहा है। तो इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूं मित्रों। कल हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। जय माता दी।